दोस्तों, मेरी क्लिनिक में बहुत से मरीज़ आते हैं और आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे शियाटिका हो गया है। तो आज हम समझते हैं कि शियाटिका क्या होता है। तो हमारी कमर का नीचे वाला भाग, जिसको लंबर स्पाइन कहा जाता है, वो ऐसे मनकों का बना होता है और हर दो मनकों के बीच में डिस्क होती है। इन मनकों के अंदर जगह होती है जिसके अंदर स्पाइनल नर्व्स का गुच्छा होता है, और किसी भी दो मनकों के बीच में एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, दो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। नीचे के जो पांच मनके होते हैं L1 से लेकर L5 और नीचे जो सेक्रम होती है, इनमें से जो नसें निकलती हैं, ये सारी नसें मिलकर एक सिंगल नस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं शियाटिक नर्व। अब कोई भी बीमारी जो इस नर्व को अफेक्ट करे, शियाटिक नर्व को, या इस स्पाइनल नर्व को, रीढ़ की हड्डी के अंदर के भाग को जो इस स्पाइनल नर्व को अफेक्ट करे, वो इस नर्व के हिस्से में, जहां जहां ये नर्व जाती है उस हिस्से में दर्द दे सकती है, और इस दर्द को हम सियाटिका कहते हैं। अब सियाटिका कई कारणों से हो सकता है। इसका जो सबसे कॉमन कारण होता है वो डिस्क का स्लिप होना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क। जब डिस्क स्लिप हो जाती है, चाहे वो स्पाइन के अंदर हो या कई बार रीढ़ की हड्डी के बाहर भी स्लिप हो जाती है, तो ये नस को दबाती है। जब नस को दबाती है तो जहां जहां ये नस जाती है उस नस के हिस्से में हमें दर्द होता है, जिसको सियाटिका कहा जाता है। पर सिर्फ स्लिप डिस्क से सियाटिका नहीं होता, इसके कुछ और कारण भी होते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कोई कैंसर या ट्यूमर हो जाए, या कई बार हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े, जिनको ऑस्टियोफाइट कहा जाता है, वो बन जाते हैं और वो इस नस को दबाना शुरू कर देते हैं। उम्र के साथ साथ जो स्पाइनल नर्व्स के लिए जगह होती है, इन नसों के लिए जगह होती है, वो कम हो जाती है, जिसको स्पाइनल स्टिनोसिस कहा जाता है, और उससे भी हमें सियाटिका हो सकता है। अब सियाटिका में फील कैसे होता है? आमतौर पर ये कमर में शुरू होता है, या ये हमारे कूल्हे में शुरू हो सकता है, और कूल्हे से फिर ये नीचे की तरफ फैलता है, जिसमें कूल्हे से शुरू होकर जांग की तरफ, जांग के आगे या पीछे या साइड में जा सकता है, और फिर घुटने से नीचे ये टांग में चला जाता है, जिसमें ये या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ या पीछे की तरफ फैलता है। ये एक टांग में या दोनों टांगों में हो सकता है, मोस्टली केसेस में ये एक टांग में होता है। ये दर्द कई तरह का हो सकता है, जैसे कि किसी ने चाकू मार दिया हो, स्टैबिंग टाइप, शूटिंग टाइप हो सकता है, या जैसे करंट जैसा लगा, झटका जैसा लगा, जहां हमें लगेगा कि उस पर्टिकुलर हिस्से में हमें दर्द, जैसे कोई मसल हमारा दर्द कर रहा है, ऐसा होता है। कई बार उसमें नंबनेस या सुनपन या कमजोरी भी आ जाती है। जब भी कोई मरीज मेरे पास क्लिनिक में सियाटिका की कंप्लेंट लेके आता है, तो उसका एग्जैक्ट कारण पता करने के लिए हम उसके एक्सरे और MRI करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसका कारण डिस्क है या कोई इन्फेक्शन या ट्यूमर तो नहीं है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि 95% केसेस जो सियाटिका के होते हैं, उनका इलाज बिना ऑपरेशन के ही कसरत, व्यायाम, फिजियोथेरेपी, दवाइयां और बेड रेस्ट के साथ हो सकता है। लेकिन बहुत कम मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ती है, इसीलिए हमें MRI और एक्सरे करना जरूरी हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।